और ये है बिल्कुल, देखो सामने आपको पड़ेगा ये, यहाँ से बिल्कुल जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है। आप बोन फायर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, मतलब इतने छोटे से बीच पे आप शाम को अकेले बैठे हो, एक अलग ही मजा रहे। तो जी फिलहाल टेंट पे बैठ चुके हैं अभी। वाह, गर्मी से सच में रिलीफ मिल रहा है। हाँ, अंदर आते ही ना अलग ही फील हो रहा है। अलग ही ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस है, 400 तो बहुत रीजनेबल। मैं आऊंगा, ये ऑप्शन मिलेगा और बेस्ट ऑप्शन है ये। लास्ट सबसे लास्ट में यही है, क्लोजेस्ट जो बीच से है। हाँ यही है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं, आपको भी मतलब इस जगह पे बहुत बार आए हैं, लेकिन अभी पूरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है। अगर जगह ऐसी थी जब हम पहले आते थे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, सब कुछ अपना बाहर से लेके आना पड़ता था आपको। बट अभी ये जगह पूरी बदल गई है, सब कुछ इधर ही मिलने लगा है। तो पहले अंदर जाके दिखाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आप ना बीच पे अगर टेंट लगा के यहाँ पे रुकना चाहते हो, बोन फायर करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। अभी दिखाएंगे सारा कुछ, स्पेशल शुरू हुआ है यहाँ। हाँ, तो सारा कुछ दिखाते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो और दिखाते हैं कौन सी जगह पे हम खड़े हुए हैं। वैसे अगर आपने अभी तक पहचान लिया है तो कमेंट करना। हाँ, तो जी ये एक बड़ी सी पार्किंग दिख रही होगी और ये हम खड़े हुए हैं बटरफ्लाई बीच पे। आपने कभी नहीं देखा था कि यहाँ पे ऐसा है, जो जाने का रास्ता है एंट्रेंस बिल्कुल वहीं पे, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। हाँ, मतलब इधर ये जो आपको कपड़े वगैरह सनग्लासेस वगैरह की शॉप होगी शुरू, और यहाँ पे एक रेस्ट्रो सेट हो चुका है काफ़ी बढ़िया। तो चल के देखते हैं, इधर कुछ खाना है मोनिका थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे चल के आते हो ना तो आप थक ही जाते हो एक टाइम पे, आपको लगता है कि नहीं यार आराम चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को पीने को मिलना चाहिए। यहाँ तक पहुँच के ना कोई थक जाता है, हर किसी को चाहिए एटलीस्ट नींबू पानी, कुछ ठंडा, कुछ कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो पीने का मन करता ही है। प्लस एक और फैसिलिटी इनके पास जो मुझे समझ आई, ये है इनके पास शावर और टॉयलेट्स दोनों है। उसका फायदा क्या है, जैसे आप बीच पे जाते हो और कपड़े वपड़े आपके भीग जाते हैं तो आपको मन करता है कि भाई शावर लेना है। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सामान तो काफ़ी है इनके पास में, क्या क्या मिलेगा आपके पास भाई साहब? सर हमारे पास ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, चाय, कॉफ़ी और उसमें मिलेगा ये सब ड्रिंक है, ओके, बीयर है। हाँ, यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल होता होगा जी। कैसे लेके आते हो, क्योंकि पैदल चलना इतना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक आदमी पूरा एग्जॉस्ट हो ही जाता है भाई। मुश्किल है थोड़ा लाना। हाँ, फिर भी हम लाते हैं। पर अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो, पहले कुछ भी नहीं था ना, तो लोग बहुत परेशान होते थे इस चीज़ों से। देखो इधर इन्होंने लिखा भी है क्या क्या है। हाँ, इधर लिखा है एग फ्राइड राइस है, प्राइस वगैरह भी लिखे हैं, और नूडल्स वगैरह हैं इनके पास, वेज नूडल, एग नूडल्स, बाकी ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं इनकी यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो तो फ़ोन भी कर सकते हो। हाँ, इधर की तरफ ना। हाँ, यहाँ पे आइटम सारे लिखे हुए हैं, सेम चीज़ है। और इधर की तरफ आप सावर वगैरह भी अगर लेना चाहते हो, क्योंकि बीच से आते हैं ना पूरे बॉडी चिपचिपी हो जाती है, तो यहाँ पे आप, मैं कहना चाह रही थी कि यहाँ पे आराम से शावर लेके चेंज करके कंफर्टेबली आगे जा सकते हो। हाँ, प्लस देखो इन्होंने सारी चीजें ऐसे नेचर से ही क्रिएट करी है। ये देख बिल्कुल, हाँ ये ना लकड़ी के ही वुड का सारा कुछ बना रखा है, टेबल वगैरह जितना भी यूज किया है पूरा नेचुरल रखा है जगह को, वो अच्छी चीज़ है। कुछ भी चीज़ मतलब पेड़ उड़ नहीं काटा है, वो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो जी एक एक लेमन सोडा पिला दो आप, बढ़िया सा मस्त फर्स्ट क्लास वाला। क्योंकि यहाँ तक पसीना बहुत निकल गया। चलो जी सोडा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। और तो यहाँ पे ना लाइट के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे सोलर पैनल पूरा सेट किया है और उसी से ये लाइट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो चाहिए ही जब रेस्टो चलाना है आपको, कुछ भी चलाना है। और यहाँ से लाइट ना 2-3 किलोमीटर पीछे तक है, बट यहाँ तक नहीं आती कभी भी। चलो चलते हैं अभी बीच साइड, और उधर ये टेंट स्टे भी कराते हैं, तो टेंट स्टे कराते हैं उसका देखते हैं कैसा कराते हैं, और क्या आप उधर एंजॉय कर सकते हो जाके। अभी बीच भी दिखाते हैं, बटरफ्लाई बीच आपको। तो जी ये हम पहुंच गए बटरफ्लाई बीच, और ये देखो यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और अभी आने पे हैं, जाने पे भी हैं, मतलब इस बीच का और अलग होता है।
और हम आज इधर स्टे करेंगे। स्टे नहीं मतलब अभी हम दोपहर में लेकर आए, तो इनसे पूछा हमने कि भाई टेंट वेंट आप कैसे लगा के देते हो, और ये चीज़ आप शाम में आके यहाँ पर कर सकते हो। बाकी इसके प्राइजेस वगैरह क्या होंगे मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। तो आप बोन फायर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, मतलब इतने छोटे से बीच पे आप शाम को अकेले बैठे हो, एक अलग ही मजा रहेगा। वो तो टेंट में वो एक दिन मोनी का आते हैं शाम में हम, बट क्या जैसे ही शाम में हमारा रेस्टो काम जल्दी फ्री होता है ना, तो एक दिन आके जरूर ये काम दिन रात में भी करके जाना है। फिलहाल तो मैं आज दिन में आया था तो इन्होंने मुझे बताया कि हम टेंट स्टे वगैरह ये सब देते हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना उसका देखा जाए। हाँ ये फिट हो गया जी, 2 मिनट लगे हार्डली। और इसका पता फायदा क्या है, जैसे आप आए हो और आपको अपना पर्सनल टाइम सैंड नीचे रहती है, तो जैसे बैठ के एंजॉय करना है, बीच में पिकनिक करना है, उसके लिए बहुत सही चीज है ये। हाँ नीचे मतलब गद्दे उद्दे की जरूरत नहीं है आपको, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ बस 2 सेकंड में इन्होंने खड़ा कर दिया, फिट हो गया। हाँ। तो जी फिलहाल टेंट पे बैठ चुके हैं अभी। वाह गर्मी से सच में रिलीफ मिल रहा है। हाँ अंदर आते ही ना अलग ही फील हो रहा है, अलग ही फील है। और ये देखो सामने यहाँ से सी को आप एंजॉय कर सकते हो अपने टेंट में बैठ के। हाँ अच्छा फील है सच में। और बोन फायर वगैरह कुछ भी आप करना चाहो तो वहाँ पे रेस्टो पे भी बैठ के कर सकते हो आप। हाँ। और नाइट स्टे भी वो उधर प्रोवाइड कराते हैं, चल के एक बार पता करते हैं सारा कुछ ना। हाँ। तो ये अलग फील आ रहा है। तो जी ये टेंट तो बहुत एंजॉयबल है, काफी देर हम इसमें बैठे, मतलब यहाँ पे जैसे बीच सैक वगैरह कुछ नहीं है ना। हाँ। तो आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, प्लस ये जो है खाने उने के लिए भी देते हैं, बेडशीट वगैरह सब कुछ देते हैं, और जो भी आपको खाना वो इनसे चाहिए तो वो यहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं, पहुँचाते हैं। हाँ। रात में भी अगर आपको चाहिए तो उस टाइम पे भी पहुँचाते हैं। तो देखो बीच शेक ना होने का रिग्रेट नहीं होगा आपको। हाँ। बटरफ्लाई बीच में मस्त अपना टेंट लगाओ और फूड वगैरह सब इधर ही सर्व करेंगे ये लोग, और मजे करो पूरा दिन। बिल्कुल। तो अभी चलते हैं दोबारा रेस्टोरेंट पे, कुछ खा लेते हैं, अब भूख लगने लगी हमें। तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी आ गए वापस यहाँ पे रेस्टो बैठते हैं थोड़ी देर, कुछ खाएंगे और कुछ पियेंगे, दैन उसके बाद में चलेंगे। प्लस क्या क्या चार्जेस वगैरह हैं वो इनसे एक बार पता कर लेता हूँ मैं, जो ये नॉमिनल टेंट वगैरह के इस सब के इन्होंने बताए आज, तो वो सब पता करते हैं। संजय जी आप ही हो, अच्छा क्या क्या चार्ज पड़ते हैं अपने इसके टेंट के? 400 तो मतलब बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, 400 यार 400 तो दो लोगों के लिए बहुत नॉमिनल, मतलब शेक पे तो आप इतना पैसा खर्चा कर देते हो बैठ के। बहुत सही है, ज्यादा भी नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस है, 400 तो बहुत रीजनेबल। मैं आऊंगा रात में किसी दिन रुकने के लिए नहीं तो बोनफायर तो करके इधर। हाँ और बोनफायर भी यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा नाम कुछ रखा है जगह का भी? नहीं, बटरफ्लाई जंगल कैफे। अच्छा बटरफ्लाई जंगल कैफे, बटरफ्लाई जंगल कैफे है यहाँ का। क्लोज बीच? हाँ बिल्कुल क्लोजेस्ट जो है वो आपका ही है सबसे एंड पे। हाँ मतलब ऐसे भी पहचान सकते हो कि जो सबसे लास्ट है वो इनका ही जगह है, और टेंट वगैरह आप आके पूछ ही सकते हो। मतलब मुझे तो वो कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ केवल खा रहे हैं बांगड़ा, और वो भी मसाला फ्राई है। हाँ, फ्राई नहीं, मसाला फ्राई है। तो हाँ इसलिए क्योंकि हमें भी निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी, तो चलो खा के एक बार टेस्ट करते हैं कैसा है फूड। और जो टेंट का है ना 400 बहुत रीजनेबल है, टेंट का, उसमें दो लोग आप आराम से रुक सकते हो। और सबसे बड़ी बात इतनी धूप में आप मस्त हवा आर पार होती है, उसके मॉस्किटो वगैरह कुछ भी नहीं जाता, वो भी नेट वगैरह सब है उसमें। और फूड का जो रहेगा वो एक्स्ट्रा रहता है। प्लस मुझे ये भी अच्छा लगा इन्होंने शार रखा है ना यहाँ पे। शार का फायदा है क्योंकि आप रेत में सन के आते हो ना, पूरी बॉडी चिपचिपी होती है, तो आपको चाहिए होता है वो टाइम पे कि कुछ शार मिल जाए कहीं से। तो वो भी और अच्छा है। जो पानी है ये पानी भी बाहर से लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सोल्टी वाटर है। हाँ, स्वीट वाटर नहीं है यहाँ पे, वो भी इन्हें बाहर से लाना पड़ता है। चलो चीजें अरेंज करना तो मुश्किल है। तो जी अभी यहाँ से हम निकलते हैं, और जो फिश खाई बहुत मजेदार थी क्योंकि ज्यादा फूड का भी मन भी नहीं था हमारा, पर हल्का फुल्का खाना था। हाँ किसी दिन नाइट में भी आएंगे यहाँ पे और पूरा ये ट्राई करेंगे। और ये है बिल्कुल, देखो सामने आपको पड़ेगा ये, यहाँ से बिल्कुल जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल एंड में आके ये रेस्टो पड़ेगा। यूजुअली पीछे आपको लोग बोलते होंगे कि भाई आगे कुछ नहीं मिलेगा खाने को, पर ऐसा नहीं है, आगे आके आपको ये ऑप्शन मिलेगा और बेस्ट ऑप्शन है ये लास्ट, सबसे लास्ट में यही है, क्लोजेस्ट जो बीच से है। हाँ यही है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड बाकी जगह भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। हाँ मतलब एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर है यहाँ। हाँ
तो आप आराम से मतलब बैठ सकते हो और अपना स्नैक्स वगैरह जो भी आप खाना चाहते हो खा सकते हो। जगह का नाम है इसका बटरफ्लाई जंगल कैफ़े। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं ऊपर लिख दूंगा, पूछ के इनसे कोई आ रहा है तो पहले से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप टेंट के लिए भी पूछ सकते हो कॉल करके। टेंट अगर आपने बुक करना है तो वैसे तो आके भी ले सकते हो, पर पहले से बुक करो तो अच्छा रहता है। हाँ तो जी, होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।